इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है एंड इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ में आते हैं और इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। आइए समझते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर बात करते हैं प्रिंसिपल की तो ये बेस्ड होता है इंटरफेरेंस पर। प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस पर बेस्ड होता है? ये इंटरफेरेंस पर। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं। तो इसमें होता है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जिससे लाइट बीम निकलती है, और ये लाइट बीम एक ट्रांसपेरेंट पार्शियली ट्रांसपेरेंट प्लेट जो कि 45 पर प्लेस्ड करते हैं जाकर के इंसिडेंट होती है। ये एक ऐसी प्लेट है जो इंसिडेंट लाइट रेस को पार्शियली ट्रांसमिट करती है एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है। और इसको इस लाइट बीम से 45 के एंगल पर प्लेस्ड किया जाता है। कितने पर? 45 डिग्री पर। तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट होता है और यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर होता है ये एक मिरर जिसको बोल सकते हैं M1 यहाँ पर, और इसका दूसरा पार्ट होता है रिफ्लेक्ट, और यहाँ पर होता है ये दूसरा मिरर, इसको बोल सकते हैं M2। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये लाइट रेस यहाँ पर हो गई, तो जो लाइट बीम इस प्लेट पर जाकर के इंसिडेंट होती है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड होना होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसलिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर लाइट बीम के एम्पलीट्यूड डिवीजन पर डिवाइड होता है। इस लाइट बीम का ये एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया। अब जैसे ही लाइट रेस ये M2 पर पहुंचती है तो क्या होता है? ये कम बैक आती है रिफ्लेक्ट होकर के और वापस यहाँ पर आती है। वैसे ही लाइट रेस जब ये M1 पर पहुंचती है तो ये क्या है? मिरर है, और मिरर क्या होता है? परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो लाइट रेस ये वापस से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए जिस पाथ पर ये गई थी उसी पाथ पर वापस आएगी, ये जिस पाथ पर गई थी उसी पाथ पर ये वापस आती है। और यहाँ पर अगर ये मीट करती हैं, जैसे ये यहाँ पर आती है और यहाँ पर अगर ये मीट करती हैं, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजिस बनती हैं जिनको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ये होता है टेलीस्कोप। कभी कभी यहाँ पर ये एक प्लेट और लगाते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग प्लेट। आपको इससे नहीं घबराना है, इसका क्या यूज़ होता है इसको हम अलग से बता देंगे, लेकिन यही होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर जिसके अंदर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लाइट सोर्स जैसे सोडियम लैंप या फिर लेजर, ये दोनों ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होते हैं। ये क्या था? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था जिससे एक बीम निकली वो जो जाकर के एक ग्लास प्लेट पर, जो कि ये पार्शियली सिल्वर्ड है, यानी कि इस लाइट रेस को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। ये प्लेट क्या होती है? कंपनसेटिंग प्लेट होती है। यहाँ पर पाथ रिफरेंस को सेट करने के लिए इस प्लेट का हम यूज़ करते हैं। ये प्लेट क्या होती है? ये फुली क्या होती है? ट्रांसमिटिंग प्लेट होती है, और यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन को जीरो करने की कोशिश करते हैं, लाइट रेज निकल जाती है। इससे ओनली हम पाथ डिफरेंस को सेट कर सकते हैं या फेस डिफरेंस को सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही लाइट रेज वहाँ पर आती है तो इसके अंदर एक क्या होता है? ग्लास प्लेट जो कि पार्शियली सिल्वर्ड होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन भी करती है और ट्रांसमिशन भी करती है। ये परफेक्ट ट्रांसमिशन करती है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। हालांकि कहीं पर भी परफेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा यूँ करते हैं कि पूरी की पूरी निकल जाती है। दोनों ही पैरेलल प्लेस्ड की जाती हैं, एंगल होता है 45 डिग्री। दो होते हैं मिरर M1 और M2, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखेंगे ये इधर है और ये क्या इधर, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यही होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होता है एक्चुअल में क्या होता है? ये दोनों लाइट रेज, एक लाइट रेज ये जो मिरर M2 पर गई, दूसरी लाइट रेज ये जो M1 पर गई, जब ये दोनों वापस आती हैं तो ये दोनों कोहरेंट होती हैं और दोनों मोनोक्रोमेटिक भी होती हैं। और जब भी लाइट रेज
कोरेंट भी हो और मोनोक्रोमेटिक भी हो, तब वहां पर इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बनती हैं। तो यहां पर इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बनती हैं जहां पर ये दोनों लाइट रेस मीट करती हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं टेलीस्कोप से। तो दोस्तों यही था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, दो ग्लास प्लेट एंड दो मिरर एंड एक टेलीस्कोप, और इनका यही सेटअप माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहलाता है। अब इसके एप्लीकेशन क्या हैं, तो दोस्तों इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। हम इससे अगर बात करते हैं इंटरफेरेंस को मेजर कर सकते हैं, साथ साथ में अगर इंटरफेरेंस की अगर बात करते हैं फ्रिंजिस को मेजर कर सकते हैं, या फिर इसका हमने यूज़ किया था माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में, जिसको हमने मैकेनिक्स में एक्सप्लेन किया है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट एक ही है, दोनों एक नहीं है। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कर रहे हैं। ये क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या क्या होगा, फ्रिंजेस कैसी बनेंगी, कब फ्रिंजेस डार्क होंगी, कब ब्राइट होंगी, कब सर्कुलर होंगी, इसकी स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम इंटरफेरेंस की स्टडी तो कर सकते ही हैं, साथ साथ में हमने इससे ईथर के एग्जिस्टेंस के लिए माइकलसन और मॉडले ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ही किया गया था। या फिर इससे हम जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको भी मेजर करते हैं, यानी कि इसको यूज़ करते हैं एज ए लीगो, LIGO। इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर इंटरफेरोमीटर फॉर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ईथर के एग्जिस्टेंस के लिए भी इसी को यूज़ किया गया था, जिससे प्रूफ हुआ था स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होती है। माइकलसन मॉडले ने माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज़ करके ही स्पीड ऑफ लाइट को कॉन्स्टेंट प्रूफ किया था। ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए भी माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं लीगो। लीगो की फुल फॉर्म होती है लेज़र इंटरफेरोमीटर फॉर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने वाला। अब यहाँ पर लेज़र क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हम सोर्स लेज़र का यूज़ करते हैं। लेज़र क्या होता है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। तो दोस्तों यही थे इसके एप्लीकेशन, और ये था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एक बार रिपीट कर देते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है, जिसके अंदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, दो ग्लास प्लेट, दो मिरर और एक टेलीस्कोप यूज़ में आते हैं, और इसके बेस पर हम ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया, और साथ साथ में कि ईथर होता ही नहीं है, और स्पीड ऑफ लाइट को कॉन्स्टेंट भी इसी ने प्रूफ किया था, और साथ साथ में हम फ्रिंजिस की, क्योंकि इंटरफेरेंस में कैसे फ्रिंजिस बनती हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन।